चलिए, आपके दिल को खुश करने के साथ साथ संदेश देने वाली खबर, जयपुर की सरला भदौरिया का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए अब सरला मिसाल बन चुकी है। रिटायरमेंट के बाद सरला भदौरिया ने अपने सपने को पूरा करने की सोची और नए कीर्तिमान वो किस तरह से रच रही हैं, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। जिस उम्र में लोगों के हौसले जवाब देने लगते हैं, उस उम्र में सरला भदौरिया के सपनों को पंख लग गए हैं। सरला भदौरिया की उम्र 64 साल है, लेकिन दौड़ने का जुनून ऐसा है कि 3 साल से 21 किलोमीटर की दौड़ में नंबर 1 पर काबिज हैं। जैसे ही हमने 21 करी, ये हमारा पहला मेडल था और इसमें हम फीमेल में फर्स्ट 55 प्लस में फर्स्ट आए। फिर क्या था, वो कहते ना सपनों को पंख लगने वाली बात। सरला बचपन से धावक बनना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और पढ़ाई लिखाई की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन जब साल 2017 में अध्यापिका के पद से रिटायर हुई, तो उन्होंने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया। अब तो हम हर मैराथन करते हैं, नाइट हो, समर हो, विंटर हो। और सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी हमने 100 डेज का, ये करंट है, 100 डेज का हमने इसको किया डेली। 100, इसमें क्या होता था, 100 डेज डेली चलना है। बिल्कुल हाँ, अगर मिस कर गए, हम लोग है ना 67 लोग चले थे ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया का है। सरला भदौरिया के घर में ट्रॉफी और मेडल की झड़ी लगी है। जयपुर में होने वाली लगभग हर प्रतियोगिता में सरला भदौरिया हिस्सा लेती हैं और जीती हुई रकम को दान कर देती हैं। जैसे ही मिला वैसे ही हमने खाना खिला दिया, अब हम लेते ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट। अभी पहले तो हमने अनाथ आश्रम में खाना खिलाया था, अब हम डायरेक्ट डोनेशन करते हैं जरूरतमंदों को, जिसको जरूरत हो, कुछ पर्यावरण को देते हैं। पौधे वृक्षारोपण भी हमारा बहुत शौक है। 64 साल की सरला भदौरिया ने अपने जज्बे से साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो उम्र बाधा नहीं बन सकती। उम्र कोई बाधा नहीं बनती है, और यही सरला भदौरिया उन तमाम लोगों को संदेश भी दे रही हैं कि उम्र की वजह से अपने सपनों को मत मारना। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।